नमस्ते, स्वागत है आपका अश्विनी फूड लैब में। मैं हूँ अश्विनी और आज हम बनाएंगे ब्लैक बीन्स। ब्लैक बीन्स या काली सेब बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। वैसे तो ब्लैक बीन्स हम इतना फ्रीक्वेंटली बनाते नहीं है, लेकिन आज मैं जो आपको रेसिपी बताने वाली हूँ उससे आपकी ब्लैक बीन्स की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चार लोगों की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी ब्लैक बीन्स। इन्हें हम दो तीन बार अच्छे से धोकर 8 से 10 घंटों तक भिगोएंगे। सुबह जब ये भीगकर फूल जाएंगे तब हम इनका पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद इसे अच्छे पानी से एक और बार धोएंगे। हाथ से थोड़ा सा इस तरह मसलकर हमें ब्लैक बीन्स को धोना है। अब इनका पानी निकालकर हम ब्लैक बीन्स को कुकर में डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें उतना डालना है जितना हमारे ब्लैक बीन्स को छूकर थोड़ा सा यानी 1/2 सेंटीमीटर ऊपर रहे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे 4 से 5 सीटियों तक पकने देंगे। जब तक हमारे ब्लैक बीन्स पककर ठंडे होते हैं हम देखते हैं हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए थोड़ा सा तेल, एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन के थोड़े बारीक टुकड़े, 1 टीस्पून हल्दी, 2 छोटे टमाटर बारीक कटे हुए, नमक स्वादानुसार, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला 2 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा बटर लगभग 2 टीस्पून। अब हम एक कढ़ाई या पैन में 4 से 5 टीस्पून तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन के टुकड़े। आप यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इन सबको अच्छी तरह मिला लेंगे और तेल में पकने देंगे। यहाँ हमें अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल जाते तक और प्याज गरम होते तक पकाना है। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज नरम हो जाए हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। इन सब को हम मिला लेंगे। मसालों को तेल में थोड़ी देर भूनने देना है। जैसे ही मसालों की अच्छी महक आने लगे तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम ये अच्छी तरह मिला लेंगे और टमाटर नरम होते तक पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक से टमाटर जल्दी पक जाएंगे। जब तक हमारे टमाटर पकते हैं तब तक हम हमारा कुकर खोल के देखते हैं कि हमारे ब्लैक बीन्स पक गए हैं या नहीं। देखिए हमारे ब्लैक बीन्स भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम थोड़े से ब्लैक बीन्स लगभग 4 टेबलस्पून मिक्सर के एक छोटे से पॉट में अलग निकाल लेंगे और उन्हें हम थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से पककर नरम हो गए हैं और थोड़ा तेल छोड़ने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पके हुए ब्लैक बीन्स। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे। ब्लैक बीन्स में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है और ये ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद करता है। अब हम इसमें हमारे पीसे हुए ब्लैक बीन्स डालेंगे। इससे हमारी सब्जी में अच्छा गाढ़ापन आता है और कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे दही। दही को पहले थोड़ा सा फेंट लें और हाँ, दही डालने से पहले गैस की आंच कम करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने गैस बंद करके भी दही डाला तो भी चलेगा। दही डालने के तुरंत बाद हमें हमारी सब्जी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन या आप कहें बटर। मक्खन डालने से इसमें एक अच्छा रिचनेस आता है और इसका स्वाद भी एकदम बढ़िया आता है। अब हम गैस को फिर चालू कर इसे ढककर थोड़ी देर और पकने देंगे। इस स्टेज पर आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। इस वक्त भी हमें गैस की आंच कम ही रखनी है। इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक पकने दें।
ऐसा करने से हमारी ब्लैक बीन्स सारे फ्लेवर्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। लगभग 2 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और लीजिए, हमारे गर्मा गर्म टेस्टी और हेल्दी ब्लैक बीन्स की सब्जी तैयार है। आप इसे रोटी, नान, पराठा, पूरी या चावल के साथ एंजॉय करें। तो मेरी ये रेसिपी यूज कर आप ब्लैक बीन्स जरूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके ब्लैक बीन्स कैसे बने। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।